Assalamualaikum, welcome to Weekend with Hina. मैं हूँ हिना एजाज. आज एक important political family member से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ जिनका ताल्लुक है जनूबी पंजाब से. मैं बात कर रही हूँ बिहाड़ी लुड्डन की. कौन है वो? वो तो अभी आप थोड़ी देर में जान पाएंगे, लेकिन मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर में. दिस इज़ नॉट जनूबी पंजाब, क्योंकि ज़्यादातर जो political families हैं जो करीब रहती हैं एरिया से, वो लाहौर में रहती हैं, इसलिए उनका घर लाहौर में और मैं लाहौर आई हूँ. उनसे मुलाकात होगी, सो लेट्स गो एंड मीट हर. वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई, शऊर जब तुम्हें हुआ तो खूब गर्व हो गई. वतन को भाई दे दिया, वतन को बाप दे दिया, बताए मुल्क के लिए अपना हक दे दिया. वतन की माँ चली गई, सुनो लोग की गोद में मगर मकाम राज है, वो कल भी जिंदा भारती वो. जिस शख्सियत का मैं आपसे जिक्र कर रही थी अभी कुछ देर पहले, और ये बता रही थी कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है, लेकिन जनूबी पंजाब तो हम नहीं गए क्योंकि अभी फ़िलहाल वो लाहौर में और उनकी रिहाइश गाह भी लाहौर में है. सेक्रेटरी जनरल साउथ पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नताशा दौलताना मेरे साथ मौजूद है. अस्सलामुअलैकुम नताशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है. अभी लवली होम आई मस्ट से. थैंक यू. जनूबी पंजाब से काफ़ी मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल है इधर, राइट? सो कैसा लगता है कि जब आप जाती हैं बिहाड़ी लुड्डन, खास जब आप लुड्डन जाती हैं, तो कैसा लगता है एकदम से लाहौर शहर से उठ के और उधर चले गए? बिल्कुल ही मुख्तलिफ मनाजिर हैं लाहौर शहर के और फिर उस इलाके के. एक्चुअली इस तरह मैं हमेशा से लाहौर में मेरी रिहाइश रही है, और लुड्डन जो है वो मेरा आबाई घर है. मेरे अबाऊ अजदाद वहाँ से हैं, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से, और उसमें हमारा आना जाना जो है वो हमेशा मतलब लगा रहता है. और मैं ये कहती हूँ क्योंकि लाहौर शहर है तो शहर की ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल फ़र्क होता है, गांव जाते हैं तो वहाँ का लाइफस्टाइल फ़र्क होता है, तो जैसा देश वैसा भेस. अच्छा, जहाँ जाती हैं वैसी ही हो जाती हैं. बिल्कुल. लाहौर आती हैं तो लाहौर की हो जाती हैं, उधर जाती हैं बिल्कुल बिहाड़ी तो उधर की हो जाती हैं. उधर के लोगों से आपको, खासकर आपका जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, डीप रूटेड पॉलिटिक्स से आपके ख़ानदान का ताल्लुक रहा है बल्कि, और आपका अब है, कितना प्यार मिलता है उधर के लोगों से? मेरे ख़ानदान में जो सियासत है वो अबाव अजदाद से चलती आ रही है, पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं और अपने इलाके की हमेशा से खिदमत की है. तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत प्यार मिलता है, बेतहाशा प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, और इसका क्रेडिट जो है वो मेरे अबाऊ अजदाद को जाता है, बिकॉज़ उन्होंने वहाँ के लोगों की, उस खत्ते की खिदमत की है और उनके राइट्स के लिए हमेशा स्टैंड अप किया है, लड़े हैं, और उनकी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर और इम्प्रूव करके उसकी कोशिश की है. तो मैं कहती हूँ कि जो फल है मैं उन्हीं का लगाया हुआ जो है वो फल मैं आज खा रही हूँ. राइट. लेकिन ऐसा क्योंकि पिछले दो इलेक्शंस में आपकी हार रही, उधर के लोगों से आपका इतना गहरा ताल्लुक है, ख़ानदान की इतनी कह लीजिए कि इतनी एफिलिएशन है पॉलिटिकली और वैसे भी, तो ये हार की वजह क्या हुई? सियासत में, इलेक्शंस में हार जीत होती रहती है, और इसको कभी मैं हार नहीं समझती. मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि जब आपका एक लोगों के साथ एक एफिलिएशन है, आपके लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, तो इसमें जीत ही जीत है. हार की बहुत सारी वजूहात भी होती हैं, और जो दो मैंने इलेक्शंस लड़े उसके अंदर, बिकॉज आप कुछ इस तरह से पता है कुछ इंजीनियर्ड किस्म के इलेक्शंस हमारे रहे हैं, और इसके अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो पहले से ही बने हुए थे. तो इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी हार थी इसमें. मैंने जब 2013 का भी इलेक्शन हुआ, बहुत अच्छे खासे वोट लिए, बट यहाँ पर बदकिस्मती से हमारे मुल्क का आलमिया ऐसे हैं कि एक इंजीनियर तरीके से हराया जाता है. कुछ ऐसी ख्वातीन हैं जिन्हें काफ़ी ख्वाहिश थी कि उन्हें टिकट मिले इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, और ये आम पार्टी वर्कर्स की मैं बात करूँ, ख्वातीन की, उनका खास दावा रहा आफ्टर द इलेक्शन, खासकर आफ्टर द इलेक्शन, कि हमें टिकट नहीं मिली क्योंकि प्रेफरेंस या तरजीह दी गई मेल्स को, मर्द हजरात को,
या फिर अगर मर्द हजरात नहीं तो उन खवातीन को जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टीज पे कह लीजिए जिनकी काफी चहल पहल है, इस तरह के दावे करती रही हैं कुछ खवातीन फीमेल पार्टी वर्कर्स, क्या ऐसी बात ठीक है, उनके ऐसा कहना ठीक है कि टिकट इस तरह मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ कि टिकट जो है वो आपकी कारकर्दगी पे मिलती है और ये बड़ी सोच समझ के दी जाती है। इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि जी हमें टिकट मिलनी चाहिए, बट उसमें कोई स्टांस नहीं है। जो ख्वातीन हैं मेरे ख्याल में कि खासकर पीपल्स पार्टी में ये एक रोल है कि ख्वातीन को बहुत तरजीह दी जाती है और ख्वातीन को आगे लेकर जो है पॉलिटिक्स के अंदर एक रोल प्ले ख्वातीन का बहुत ज़्यादा है, खासकर बिकॉज बीबी जो थी उन्होंने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया, बीइंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, अ वुमन प्राइम मिनिस्टर, एंड उन्होंने इस चीज़ को बहुत तरजीह दी। तो पीपल्स पार्टी में मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन की बहुत इज्जत है और बहुत सारी उनको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये दावा मेरे ख्याल में गलत है कि ख़वातीन को पीछे रखा जाता है। मैं खुद एक खातून हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ती हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल भी बनी हूँ और पीपल्स पार्टी में जो है वो ख़वातीन को बहुत तरजीह दी जाती है। आपने एक बड़ी अहम बात कर दी, सेक्रेटरी जनरल साउथ पंजाब आप बन गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। Did it come as a shock to you? आपको पता था कि ऐसे होने वाला है या फिर एकदम से ये अनाउंसमेंट हो गई? What happened? ये जो मेरी अपॉइंटमेंट जब हुई तो उसमें it was बिल्कुल शॉकिंग था और मैं ये कहती हूँ नहीं, मुझे आइडिया नहीं था मेरी अपॉइंटमेंट का और मुझे उस बेसिस पे रखा गया कि मैं जब पहले इससे पहले मैं प्रेजिडेंट थी वुमेन विंग की, एलाइड विंग की, और उसमें मेरी जो कारगर्दगी थी जिस तरीके से मैंने साउथ पंजाब की ख़वातीन को मैंने इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म दिया और एक उनको स्ट्रेंथन किया, तो उस पे उसकी बेस पे मुझे जो है सेक्रेटरी जनरल का जो है उन्होंने एज अपॉइंटमेंट दी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जदाई साहब ने। और ये उनका खास फैसला था, इंडिपेंडेंट डिसीजन था? हाँ जी बिल्कुल, ये उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन थी एंड मैं ये कहती हूँ कि मशावरत के साथ, इसमें ये नहीं है कि उन्होंने एक अपनी ओन पे एक डिसीजन ले ली, मशावरत के साथ पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठ के, लेकिन आइडिया उनका था एंड ही वांटेड, ही वांट्स, चेयरमैन बिलावल वांट्स दैट वुमेन शुड कम इनटू पॉलिटिक्स और आके बढ़ चढ़ के अपना वो रोल प्ले करें। राइट एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी आपकी जिंदगी में हुई, आपके भाई से मुंसलिक अजीम दौलताना, ग्रेट पर्सन, मेरा भी एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था उनसे मिलने का और काफ़ी अच्छे इंसान थे। उनका गुजरना ऑफ कोर्स आपकी पूरी फैमिली के लिए, आई मीन आई हैव नो वर्ड्स, इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं आप कर सकते कि कितना बड़ा शॉक होता है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है। लेकिन उन हालात में जब आपको उनकी सीट को टेक ओवर करना पड़ा, अगर आप बुरा ना मनाए तो उन हालात को अगर आप दोहरा दें। अच्छा, मेरे भाई अजीम दौलताना जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर डिफेंस थे एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन ही पास्ड अवे, उन्होंने, मैं कहती हूँ, सियासत जो थी हमारे हलके की, हमारे इलाके की, वो बिल्कुल चेंज कर दी। इससे पहले जो सियासत थी उसमें थोड़ा सा एक मेरे भाई ने बिल्कुल इस चीज़ को जो है एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर ले आए और जो गरीब से गरीब इंसान भी था उसकी पहुँच भी थी मेरे भाई तक, जो एक बहुत अंडर प्रिविलेज्ड इंसान था उसकी पहुंच भी थी मेरे भाई तक। ही वॉज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, ही वॉज़ वेरी, लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली थी और मैं कहती हूँ कि आज तक भी मेरे इलाके में लोग यही कहते हैं कि अजीम जैसा लीडर नहीं था। चाहे बेशक मेरे अबाऊ अजदाद ने बहुत सियासत की, मेरे पॉलिटिकल फैमिली से है एफिलिएशन, और जो भाई ने मेरे लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाई थी तो आज तक भी उसको लोग याद करते हैं और ही वॉज जस्ट ब्रिलियंट एट वॉट ही डिड। ही हैड अ विजन, ही वॉन्टेड टू चेंज एस्पेशली माई, जो हमारा हलका है या हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में तो उन्होंने बहुत सारी एक विजनरी सोच रखी हुई थी और चेंजेस वो लेकर आ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली फिर उनकी वफात हो गई एक्सीडेंट में। फिर मैंने जब देखा कि पूरा जो इलाका है वो बिल्कुल मायूस हो गया, लोग जो हैं बहुत परेशानी के हालत में थे और
obviously somebody had to take over and take charge, क्योंकि मैंने जब लोगों की देखा कि वो लावारिस हो गए हैं, बिल्कुल यतीम हो गए हैं, सियासी यतीम हो गए हैं, तो मैंने ये फील की बात. फिर मैंने कहा कि मैं अपने भाई के जो मिशन है उसको मैं आगे लेकर जाऊंगी और उसको मैं बढ़ाऊंगी ताकि लोग जो हैं वो महरूम ना हों. ये फैसला आपका खुद का था या फिर फैमिली ने मुशावरत के साथ ये फैसला किया कि आपको उनकी जगह आना है? मैं कहती हूँ कि सियासी फैसले कभी खुद नहीं होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, हमेशा मुशावरत के साथ होते हैं. तो इसमें मेरे वालदैन का बहुत बड़ा रोल प्ले था और मशावरत थी, इलाके के साथ मशावरत थी, हल्के के लोगों के साथ मशावरत की. और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप आने वाले वक्त में अब हम नताशा को ही एज देखते हैं, somebody who will take charge of everything. तो फिर इसमें मशावरत भी है और मेरे वालदैन ने भी मुझे पुश किया इस चीज़ के अंदर. और फ्रेंकली मैं अगर आपको बताऊँ है ना, तो मैंने कभी अपने आप को एज अ पोलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं देखा. मैं इससे पहले बिल्कुल मैंने कभी नहीं देखा था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगी भी. ठीक है, फैमिली मेरी पॉलिटिक्स में है, अग्रीड, बट मैंने कभी अपना नहीं सोचा था. तो जब मैंने इस रोल को टेकअप किया, आई वॉज अमेज्ड एंड शॉक्ड के किस तरीके से मेरे नेचुरली मैंने इस रोल के अंदर फिट इन हो गई. एंड बिकॉज ब्लड में थी ये चीज़. फिर लोग भी, मेरे ख्याल में लोग भी थोड़े से पहले घबराए हुए थे मेरे इलाके के, मेरे हल्के के, कि एक फीमेल है और जिसने पहले कभी सियासत का सोचा नहीं, कभी उसने सियासत के बारे में नहीं सोचा कि वो आएगी और आके इस तरह से खिदमत करेगी लोगों की. बट मैं अपने ऊपर अमेज थी कि किस तरीके से मैंने इस चीज़ को नेचुरली अपने उसमें, यानी खुद ब खुद चीज़ें होती थी, सारे ट्रेड्स खुद ब खुद निकलते आते, खुद ब खुद निकलते आए, बिल्कुल, इनडीड, इनडीड, राइट. लेकिन जब अजीम दौलताना ने वो खास एक इलेक्शन लड़ा था, आई थिंक 2008 की बात हो रही है, और उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी पीएमएलएन से आप ही की रिश्तेदार हिना दौलताना साहिबा. हाँ जी, बड़ा ही टफ कॉम्पिटिशन होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन नून लीग दो बड़ी जमातें और एक ही खानदान के दो लोग, ऐसे वो क्या सिचुएशन थी? हमारे पॉलिटिकली हमारे खानदान में मैं कहती हूँ कि नून लीग से भी रहे हैं और मेरे खानदान में पीपल्स पार्टी में भी लोग रहे हैं. तो जिस तरह ये मेरी फूफी हैं तहमीना दौलताना, मेरी सगी फूफी हैं, शी इज़ फ्रॉम नून लीग. एंड सो हमें ये चीज़ जो है ये हम नेचुरली एक ये पॉलिटिकल, आपको पता है आजकल पार्टीज में कुछ ऐसे ही चलता है कि जो पॉलिटिकल ख़ानदान है आपके उसके अंदर आजकल मेरे ख्याल में कुछ ट्रेंड भी ऐसे ही बन चुका हुआ है कि कुछ पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक रखते हैं, कुछ नून लीग से, कुछ पीटीआई से, जो डिफरेंट आपकी सियासी जमातें हैं. तो पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, फैमिली अपनी जगह होती है. इंडीड टफ टाइम था बिकॉज एक ही वोट बैंक था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल टफ टाइम था, बट लोगों ने अजीम को तरजीह दी और अजीम को उन्होंने एक्सेप्ट किया. उस वक्त आपके पास दो मेन पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम पार्टीज थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी. अब ये आखिरी जो इंतखाबात हुए 2018 के, उसमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, यानी आपको एक और कंपेटिटर मिल गया और अब आने वाले वक्तों के लिए आपके पास एक और कंपेटिटर है, उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है? पीटीआई ने, मैं कहती हूँ कि जी ये वाला जो इलेक्शन था ये तो बहुत इंजीनियर्ड इलेक्शन, इसको मैं एज इलेक्शन नहीं मानती हूँ, दिस वॉज सिलेक्शन. पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हर एक का हक है वो आए इलेक्शन लड़े, मैदान में आए, मैदान में उतरे, लोगों की तरजीह देखे कि लोगों की तरजीह किधर जाती है. बट इस इलेक्शन को मैं नहीं मानती. आपको पेंटिंग से खास लगाव है, आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, किताबें पढ़ने का शौक है और आपकी एक बेटी है. काफी यानी कि आपके पास जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, यू इंक्लाइन टूवर्ड्स द आर्टिस्टिक साइड, ये कैसे शौक पैदा हुआ?
आई थिंक आर्टिस्टिक साइड जो है वो मैं मेरी वालदा की साइड से मुझे मिली है. माई मदर वॉज एन आर्टिस्ट, शी यूज टू पेंट. सो एज अ चाइल्ड मैं उनको बहुत देखती थी, एडमायर करती थी जब मम्मी ड्राइंग कर रही होती थी या जब मेरी वालदा पेंटिंग कर रही होती थी, तो मुझे वहाँ से ये शौक हुआ. फिर उसके बाद मैंने NCA से ग्रेजुएट किया. मैंने अपना मेजर जो था वो मेरा पेंटिंग में था, फाइन आर्ट्स में. और बहुत मुझे शौक है क्रिएटिविटी का. सो आई वुड नॉट जस्ट से राधा के पेंटिंग पेंटिंग मैंने की, मैंने बनाई बहुत सारी, मुझे मैंने पेंटिंग्स बनाई. बट मुझे क्रिएटिव चीज़ों का शौक है. कोई भी चीज़ हो उसको क्रिएटिवली हैंडल करना, उसको सॉल्यूशंस क्रिएटिव तरीके से देना, तो ये मेरे एक मैं कहती हूँ कि इट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी. नताशा, अगर आप सियासतदान नहीं होती तो क्या आप आर्टिस्ट होती? बिल्कुल, इनडीड इनडीड, राइट. बिकॉज मैंने NCA से भी ग्रेजुएट इसीलिए फिर किया कि मैं उसमें जो है क्या कहते हैं आगे इस चीज में, इस फील्ड में आ सकूं. अच्छा, आपकी मैन प्रपोजल प्लानिंग इसी तरह की थी कि मैंने आर्टिस्ट बन. बिल्कुल, बट देन मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. तो अच्छा, हाँ, तो अब मैं पेंटिंग करती हूँ और कम कम, बिल्कुल अब जो टाइम मिलता है कभी तो उसमें कर ली, बट अदरवाइज अब टाइम नहीं होता. राइट. एक बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है, वो इसलिए क्योंकि आपके लीडर की बात हो रही है या लीडर्स की, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? मैं कहती हूँ हिना, आपने बड़ा क्लीशेड सवाल पूछा, बट इसमें कोई चॉइस नहीं है. देर इज नो चॉइस. कोई इंसान किसी और इंसान की जगह नहीं ले सकता. सो आसिफ अली जरदारी, उनकी अपनी सियासी बसीरत है. ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ वेरी पोलिटिकली मच्योर, ही इज़ बड़े मच्योर तरीके से सारी सियासत को हैंडल करते हैं, तो उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है. वेयर एज बिलावल, आई वुड से ही इज सो पैशनेट अबाउट वट ही डज एंड ही is on a mission, he is visionary, he is on a mission, he is aggressive with his approach. To mere khayal mein bahut acha balance hota hai. Ek taraf chairman Bilawal being very aggressive, ek taraf Asif Ali Zardari sahab being very mature and mellow about his stance. To dono ka jo hai wo combination bahut acha hai, aur dono ke combination ke baghair bhi ye party nahi chal sakti. राइट, क्योंकि अक्सर सुनने में ये भी आता है कि दोनों के बीच में इख्तलाफ भी रहता है, अगर ओपिनियन डिवाइड हो जाए तो फिर आप लोग क्या करते हैं? नहीं, इख्तलाफ नहीं रहता मेरे ख्याल में. नहीं, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज देयर. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज देयर इनडीड. वो तो मेरे ख्याल में इंसानी फितरत भी होती है, बट उसमें यही है कि फिर मिल बैठ के आप फैसले करते हैं, और ये फैसले जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि चेयरमैन साहब अपने फैसले करते हैं या जरदारी साहब, ये मिल बैठ के मशावरत के साथ बाकी टीम के साथ, बाकी आपकी पीपल्स पार्टी की जो हायरार्की है, लीडरशिप है, उसके साथ मिल बैठ के फैसले होते हैं. राइट. नताशा, आप जब सियासत में, लाइक यू जस्ट डिस्कस्ड कि आपने NCA से पढ़ा, आर्टिस्ट बनना चाहती थी, फैमिली का ठीक है ताल्लुक रहा है हमेशा से सियासत के साथ, आपकी एक एक्सीडेंटल एंट्री हुई इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन फिर इट केम नेचुरली टू यू. लेट मी गिव यू क्रेडिट फॉर दैट, इट केम नेचुरली टू यू. बट एक बड़ी अहम चीज़ होती है किसी भी करियर में, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है. आपका भी यकीनी तौर पर कोई पॉलिटिकल मेंटोर होगा या है? इंडीड, मेंटोर इज डेफिनेटली देयर. आई वुड से दैट बीबी इज माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन, बेनज़ीर भुट्टो, शी इज माई मेंटोर. और मैं जिस तरह से, बिकॉज़ सियासत खासकर मैं कहती हूँ जो आपके मतलब पाकिस्तान में फॉर वुमेन, यू नो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, आई वुड से थोड़ा चैलेंजिंग होता है. तो मेरे जो भी चैलेंजेस होते हैं, मेरी जो भी जिस तरीके से मैं किसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहती हूँ या मेरे फैसले होते हैं, तो आई ऑलवेज लुक एट इट कि जैसे बीबी जैसे करती थी. बीबी का स्टाइल कैसे है अपने पॉलिटिकल वर्कर्स से बात करने का, बीबी का स्टाइल कैसा है अपनी तंजीम चलाने का, बीबी का स्टाइल कैसा है अपने सारे जो डे टू डे आपकी जो जो चैलेंजेस आते हैं उनको हैंडल करने का. तो शी इज़ माई ग्रेटेस्ट मेंटोर, आई वुड से मोस्ट डेफिनेटली. इसमें तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. आपने बात की कि ख़वातीन को ज़्यादा शायद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एंड आई वुड एग्री टू दैट. किसी भी शोबे में काम कर रही हूँ, ख़वातीन को शायद ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है. आई एम श्योर मर्द हज़रात इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है इन टुडेज़ डे एंड एज ऑल्सो, इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम. और इतनी ही कह लीजिए ट्रेडिशनल किस्म की इंडस्ट्री में, जिसमें मैं इंडस्ट्री कहूँगी, पॉलिटिक्स भी एक इंडस्ट्री है, उसमें जिसमें आप
जिसका एक आप हिस्सा है पाकिस्तान में, खासकर अपने आप को मनवाना, गिवन यू फ्रॉम द दौलताना फैमिली, जो भी बात हो, एक औरत होना अपने आप को मनवाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? देखिए चैलेंजेस आर देयर, एक औरत हो के सियासत को संभालना और चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, बट मैं ये कहती हूँ कि इसमें ये नहीं है कि आपने अपनी बात को कैसे मनवाना है, एक्सपीरियंस आपका बोलता है, आप जिस लेवल की बात करते हैं वो चीज़ बोलती है। तो औरत के लिए हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, एंड कंसिडरिंग दिस इज़ अ मैंस वर्ल्ड, कंसिडरिंग कि यहाँ पर बहुत मर्दों को वैसे भी तरजीह दी जाती है उसमें, बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। मैं ये कहती हूँ प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, बहुत सारी जगहों पे जिस तरह पीपल्स पार्टी में मैं खासकर बात करती हूँ कि ख़वातीन की बहुत जगह है, ख़वातीन को बहुत तरजीह दी जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोज भी हो जाते हैं कि आप लेट्स से बीइंग अ वुमन, बिकॉज ख़वातीन जो है सियासत में कम है, तो उसमें आपको जो तरजीह दी जाती है आगे लेकर आने की विमेन इश्यूज के ऊपर, विमेन को एड्रेस करने की, तो विमेन और ऑब्वियसली उनको तरजीह दी जाती है, लेकिन मुश्किलात भी हैं, एंड गिवन कि आपकी उम्र काफी लोगों से पार्टी के अंदर कम है, एक औरत होना साथ में उनसे कम उम्र होना, ये दोनों चीजों को अगर आप इनका मिलाप कर दें, लेट्स समिट अप, तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता अपनी बात भी मनवाना एंड टू बी प्रायोरिटाइज्ड एज वेल? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये इंडीड एक ये मुश्किल मरहला है, और इसके अंदर मैं कहती हूँ कि वुमेन शुड नॉट गिव अप, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसका कैसे सामना किया? हाउ डिड यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? बाय वर्किंग हार्ड, बाय बीइंग प्रेजेंट, बाय वर्किंग हार्ड, बाय लुकिंग आफ्टर द पीपल, क्योंकि आपका काम बोलता है, लोग आपकी गवाही देते हैं, तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में कि इसी तरह से मैंने हैंडल किया, एंड इसमें कोई आती हैं मुश्किलात भी आती हैं, बट देन अगेन दीज आर चैलेंजेस जो कि आई थिंक मर्दों को भी आते हैं, मर्द भी फेस करते हैं। लेकिन बट ऐसा वाकया आपको खास याद हो, एक ऐसी मोमेंट कि कोई पार्टी की मीटिंग चल रही हो और उसमें आपको लगा हो कि आपको साइडलाइन किया गया है, आपकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि आप एक औरत हैं और दूसरा क्योंकि आपकी उम्र उनसे कम है, कभी ऐसा मौका आया कोई? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा जो औरत होने के जो नाते हैं ना कि मैं एक औरत हूँ तो मेरी बात नहीं सुनेगी, नहीं, ये बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसी बात है। और उम्र का जो है कहीं वेयर आई लैक एक्सपीरियंस, वेयर जहाँ पर है तो थोड़ा सा उसमें मैं ये कहती हूँ कि हाँ होते हैं, बिल्कुल होते भी हैं, और उसमें ये है कि बिकॉज आई एम यंग, यस, सो थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा हार्डवर्क ज़रूर करनी पड़ती है, होमवर्क भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा, बिकॉज आई एम यंग और आई लैक एक्सपीरियंस थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिफाइंड पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए होते हैं, बट जहाँ पर बीइंग अ वुमन आई थिंक कि मुझे उस तरह से कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि जी मैं एक औरत हूँ तो मेरी बात नहीं सुनेगी, बिल्कुल नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी वो नहीं, नॉट इन द पार्टी, राइट। अच्छा, आपकी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है उसको भी मैनेज करना, पॉलिटिक्स को भी मैनेज करना, खासकर आपकी बेटी भी है, जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल्स, उनका प्रेशर आजकल शायद ज़्यादा है, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर हस्बैंड, बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एंड मुझे पता है कि आपके पार्टी वर्कर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, काफी लंबी कतार लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं और किस तरह से मिलजुल के आप सब काम करते हैं, किस तरह तमाम चीजों को संभालते हैं। दिस इन मच मोर बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Now we have the Mr. and Mrs. finally together. Well, assalamualaikum Tala. Tala, आपका तो सियासत से ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आई एम श्योर जब ये मुहिम चलती है, इंतखाबी मुहिम इलेक्शन से पहले, तो उसमें आप जरूर जाते होंगे इनके साथ हल्के में। जी बिल्कुल। तो क्या कैसा माहौल होता है? तीन इलेक्शन जो है, थ्री इलेक्शन आई हैव कंटेस्टेड विद हर, मतलब है कि एक तो जब बाय इलेक्शन जिसमें नताशा विन किया था,
और उसके अलावा दो और इलेक्शन, फिर बलदियाती इलेक्शन जो छोटे होते हैं उसके ऊपर भी ऑब्वियसली हम जाकर हल्के में कैंपेन करते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स खड़े होते हैं उनके लिए भी करते हैं। फिर ऑब्वियसली 3 इलेक्शन जो इसने नताशा ने कंटेस्ट किए उस पर भी हम साथ ही होते हैं। तंग नहीं आ जाते आप बार बार हल्के में जाके? नहीं, मेरी उधर अपनी सारे हल्के के जो लोग हैं उनमें मेरी भी अपनी दोस्तियाँ हो गई हैं, तो मैं भी जाके उनके साथ जब कैंपेन करता हूँ तो जाके लोगों से मिलते हैं, तो एक ताल्लुक वास्ता बन जाता है। तो ऑब्वियसली नताशा आई थिंक अभी एक्चुअली एंजॉय करना शुरू हो गए इस पूरी एक्टिविटी को। आई वुड से ही इज मोर ऑफ अ नेचुरल एट इट देन आई एम, एंड शायद ये बात इनको भी नहीं पता थी। जब ऑब्वियसली हल्के में आना जाना हुआ, फिर लोगों के साथ जब मुलाकातें हुई, तो ही इज़ ब्रिलियंट एट इट। और जो लोगों ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया इस सारी चीज़ को, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बिकॉज वो गाड़ी जो है वो एक पहिए से नहीं चलती है। ही प्लेज अ मेजर रोल इन ऑल ऑफ, ही इज़ प्लेड अ मेजर रोल इन ऑल ऑफ माई इलेक्शंस, एनी गोज एनी कैंपेन्स, एंड बहुत अच्छे तरीके के साथ। नताशा, लेकिन आपके जो इलाके के लोग हैं, इट्स अ वेरी क्लोज नेट सोसाइटी ऑल्सो कम्युनिटी, उसमें क्या लोग उधर के इलाके के लोग खासकर उन्हें कोई इशू इस बात से तो नहीं होता कि उनका ताल्लुक आपके कम्युनिटी या खानदान से नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में कि ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक इंसान का काम ज़्यादा बोलता है, और इंसान की जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, दैट मैटर्स रादर के। तला, आप दोनों की शादी को आई थिंक कितना, एक दहाई तो हो गई होगी, राइट? इट्स बीन 12 इयर्स, यानी एक दहाई से ज्यादा, 12 साल हो गए। सो दैट मींस यू बोथ गॉट मैरिड वेरी यंग। 26 के जब मैं आई गॉट मैरिड, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब एक्सीडेंट हुआ अजीम का, तो देन हिज फादर कॉल्ड अस बोथ ऑफ अस एंड ही सेड के भाई अब क्या कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, तुम लोगों ने अब तुम लोग सोच के फैसला करो कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो बहुत हमारे हल्के की बहुत ज़्यादा आवाम है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम लोग उठा सकोगे, मतलब डू यू एग्री और नॉट, तुम लोग एक या दो दिन लो और सोच के ये फैसला करो कि भाई तुम लोग इस चीज़ में कैसे अपना आगे चल के करना चाहोगे और किस तरह मैनेज करोगे सारा कुछ। तो आपने उस पर क्या कहा नताशा को? तो आई सेड व्हाटएवर, ऑब्वियसली उस टाइम मामलात ऐसे थे, अजीम की डेथ हुई थी, पूरा इलाका हर कोई लोग अफसोस कर रहे थे, दुख में थे, हम भी दुख में थे, अफसोस में थे, तो हमें भी इतना कोई उस वक्त तो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब उस टाइम इतना रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन ये कि मैंने यही कहा था, मैंने कहा जिस तरह भी अंकल आपको बेहतर लगता है और नताशा को बेहतर लगता है, आंटी थी बेहतर जिस तरह इनको लगता है उस तरह। फिर हल्के के लोग भी थे, वो उनके साथ ऑब्वियसली उस टाइम ज़्यादा इन टच थे, हमारे साथ कम थे क्योंकि हम तो अभी न्यू थे, तो फिर सब ने मिल के फैसला किया, तो हमने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड, राइट। बट ही हैज सपोर्टेड मी थ्रू आउट, जो भी फैसला हुआ जिस तरह से, ही इज सपोर्टेड मी, राइट। सपोर्ट उनका था और इसलिए शायद ये इतना मुमकिन भी हुआ, इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे अंदाज में। वेल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सिलेक्शन। थैंक यू, वी नीड। वेल, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। हम लोगों के पेरेंट्स जो थे दे वर म्यूचुअल फ्रेंड्स, इसकी मदर और माय मदर वर फ्रेंड्स। अच्छा, तो फिर उस वजह से फिर उन्होंने आपस में दे सेट के जान पहचान थी, मिलवाया, आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, एटलीस्ट कोई अनजान लोग नहीं थे एक दूसरे। या या, वी न्यू ईच अदर क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उस वजह से फिर एक्सेप्ट किया इन्होंने भी मुझे, मैंने इनको। अच्छा, तला, अगर ये हो के नताशा पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए यही सियासत की, तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे इस बात? नहीं नहीं, अच्छी बात है, ये शी कीप्स हरसेल्फ बिजी, अच्छा होता है, ये भी बिजी रहती है, मैं भी बिजी रहता हूँ, तो हम लोग मतलब है कि इट्स बेटर, दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। आपको कोई कंप्लेन तो नहीं कि ये बिजी रहती हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, बल्कि जाती हैं, बड़ा टाइम देती हैं, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, आई एक्चुअली लाइक इट के मतलब वन शुड बी बिजी, नो, बिजी रहने से इंसान को बाकी चीजें जो है फजूल या तो बाकी चीजों से इंसान का दिमाग हटता है, और बिजी रहे काम शाम करते रहता है, यानी खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली सिचुएशन। हाँ, एग्जैक्टली, सो इट्स गुड के, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई इख्तलाफात भी होते होंगे, किस बात पे होते हैं अगर होते हैं तो? नहीं, छोटी मोटी तो जैसे हो जाती है घर में कभी इख्तलाफात, बट कोई ऐसी कोई मेजर, मैं कहती हूँ कोई बड़ी चीज पे, राइट, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि इख्तलाफात नहीं होते तो बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है,
इख्तलाफात होते हैं छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर, एंड लाइक हस्बैंड एंड वाइफ जिस तरह से सिलसिला चलता है, बट अदरवाइज कोई, मैं कहती हूँ मेजर बड़ी किसी चीज पे। मैं अभी आपकी बेटी मौजूद नहीं, लेकिन मैं उससे ज्यादा ये जरूर पूछती कि वो ज्यादा किससे करीब है, तो सिंस वो नहीं है, मैं आप दोनों से इंडिपेंडेंटली पूछ रही हूँ इंडिविजुअली। नताशा, आप क्या समझती हैं, आपकी बेटी आपसे ज्यादा क्लोज है या तलहा से? मैं तो कहूंगी मेरे से ज्यादा क्लोज है। एंड तलहा, आप क्या कहेंगे? आई थिंक नताशा से ज्यादा क्लोज है, बिकॉज ये टाइम ज्यादा स्पेंड करती है उसके साथ, और मेरे साथ भी है बट ज्यादा इससे आई थिंक। राइट, वो जाती है हल्के में आपके साथ? बिल्कुल जाती है, और उसका वो बहुत इंजॉय करती है वो। अच्छा? हाँ, वो जब जाती है उसने अपने वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी बनाया हुआ है। कहती है कभी कि उसने भी सियासत में आना है बड़े होके, आपको देख देख के उसको शौक होता है? मेरे ख्याल में नहीं, मैं वो मुझे कहती है कि मामा आप बहुत बिजी हैं और ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग मेरी हो जाती है, तो आना जाना मेरा लगा रहता है साउथ पंजाब में भी, एंड ऑब्वियसली इस्लामाबाद एंड देन सिंध, तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा घबराती है। घबराती? हाँ, बट माशाल्लाह से मैं कहती हूँ मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, और मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें रानिया जो है वो बहुत एक्चुअली वो ज़रूरी होता है, अगर खासकर अगर आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन तलहा, अगर लेट्स से वो अपना ओपिनियन बदल देती है, अपनी सोच बदल देती है बड़े होते हुए और सियासत में आ जाती है, क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे अपनी बेटी को? हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट, इफ शी वांट्स टू कम इनटू पॉलिटिक्स जरूर पॉलिटिक्स में, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आप यू नो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, और यू नो इट्स अ वेलफेयर का काम है बहुत मेजर किस्म का, सो आई थिंक इट्स गुड, दैट्स वन वे टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। राइट, एब्सोल्युटली। तला, नताशा के बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है और सबसे बुरी बात? दो एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं आपने। सबसे अच्छी बात है ये कि ये दिल की अच्छी है और शी इज हार्ड वर्किंग, और ये दो अच्छी बात, दो अच्छी बात। अब एक बुरी बात, बुरी बात ये इसको गुस्सा आता है जब तो काफी मेजर किस्म। देखिए सियासतदान है, गुस्सा तो उनका जायज है। गुस्सा खून में, शुड आई से दैट, गुस्सा खून में है। नहीं, सियासत से पहले ज्यादा गुस्सा था, खून में तो था ना, लेकिन सियासत में आने के बाद गुस्सा जो है वो कम हो गया पहले। अच्छा। से बिकॉज पेशेंस ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आपने काफी सारे लोगों से डील करना होता है, अजीबोगरीब चीजें सुननी होती हैं, तो आप में पेशेंस आ जाती है, उससे पहले ज्यादा था जब। अच्छा, तो आपके लिए अच्छी बात है। चले, नताशा, तलहा के बारे में सबसे अच्छी कौन सी बात है और सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, ही सपोर्ट्स मी अ लॉट। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन ली या जिस तरह से भी पॉलिटिक्स की हो गई, ही इज़ ऑलवेज बीन देयर एंड ही सपोर्टेड मी। और अब बुरी बात मैं कहना नहीं चाहती हूँ। नहीं, बुरी बात मैं ये कहूँगी कि थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस में जो है ना, फोकस पे नहीं रहते और थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नताशा, इतने सारे लोग मैं देख रही हूँ, इंटरव्यू चल रहा था और इतने सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, अगर आप बताएं कि कौन है, कहाँ से, क्या ये खास आपके हल्के से ताल्लुक रखते हैं? ये मेरा जो सिलसिला है, मैं कहती हूँ कि जब मैं लाहौर में भी होती हूँ तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे पार्टी वर्कर्स, काफ़ी सारे हल्के के लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, और उसमें लोगों के अपने इश्यूज़ होते हैं, लोगों के काम होते हैं, तो जो घर है मेरा वो ओपन है, एवरीबडी इज़ वेलकम हियर, और जब लोग आते हैं तो उनके साथ मुलाकातें होती हैं। यहाँ पर जो आज मुझे अभी मिलने आए हैं, बहावल नगर से हैं, अमजद हैं, यहाँ से अफजल हैं, मेरे हल्के से हैं, तो ये साउथ पंजाब से और हल्के से, सब जगह आस पास के तमाम इलाकों, सारे सब जगह से लोग आते हैं, मुलाकातें करते हैं, और इट्स एन ओपन हाउस सबके लिए। बिल्कुल। हाँ, अच्छा जी भाई, आप बताइए, आप बहावल नगर से हैं, आप क्या मतलब क्या उम्मीद लेकर आते हैं नताशा के पास? एक्चुअली ऐसा है कि जब भी हमें, क्योंकि हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं और इन तक हर बंदे का इजी एक्सेस है, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि हमारी बात हो जाए, हमारी मुलाकात हो जाए, तो फर्ज करें अगर कोई इनको डायरेक्ट अगर बात नहीं हो सकती, तो इनके एक पूरा नेटवर्क है, पूरी एक टीम है, पूरे साउथ पंजाब में, पूरे जो है ना हर जगह पे इनके जो है ना कॉन्टेक्ट्स हैं, और
मुझे नहीं लगता कि मैंने जब भी कभी मुलाकात का कहा हो, फर्ज कर अभी मैं रात आया हूँ तो मैंने कॉल की है कि मैडम आई वांट टू मीट यू, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आ जाएं आप, मोस्ट वेलकम. तो हमारे ज़्यादा पार्टी इश्यूज़ होते हैं, तनजीमों के इश्यूज़ होते हैं, लोगों के मामलात होते हैं, जो भी हों मतलब फर्स्ट कम एंड फर्स्ट रिजॉल्व. अच्छा आप लोग ये बताइए कि आपके इलाके से नताशा बीवी का ताल्लुक है, जब ये पहले आए, जब इन्होंने कदम रखा सियासत में, तो आप लोग क्या सोचते थे इनके बारे में? सर जो मैडम नताशा दुल्ताना साहब का खानदान है ना, वो हमारे हलके में अपनी मिसाल आप है. तो इनके भाई जो थे अजीम मियां, वो पहले सियासत में थे, उनके बाद जब ये सियासत में आई तो इन्होंने ये साबित किया कि ये अजीम की बहन है और अजीक अजीम बहन है. और हलके में ऐसे इनके साथ मिलना है जिस तरह के अपनी सिस्टर के साथ मिलना हो, और हर एक का मसला हल करती हैं. इनकी वजह से पता नहीं कितने खानदानों का चूल्हा जलता है, और हमेशा इन्होंने गरीब का सोचा है. यकीनन ऐसे ही है कि जनरेशंस हैं हमारे उसमें मेरे इलाके में जो कि मेरे खानदान के साथ खड़ी हुई है, तो फिर मेरा सियासत में तो आना जरूरी था. आई कांट, मैं इनको इग्नोर ही नहीं कर सकती. मैं इनकी जो ख्वाहिशात है मैं नहीं इनको इग्नोर कर सकती. बिल्कुल, बहुत मेरे मुझे ये स्ट्रेंथ देते हैं, इन्हीं की वजह से मैं आ गई. आप लोग बताइए कि नताशा बीबी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको बतौर लीडर? और लीडर नताशा दुल्ताना एक ग्रेट लीडर है. यंगस्टर की जमात है जिन्होंने पीपल्स पार्टी, हमारे जो लीडर्स हैं बिलावल भुट्टो साहब वो भी यंग है, तो हम भी मैम को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हर बात को अपनी बात समझते हैं. आपका बहुत तजर्बा लगता है जिंदगी में, आपने तो देखी होगी बड़े बड़े सियासतदान आए गए. अल्हम्दुलिल्लाह नताशा बीबी के बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीपल पार्टी जब भुट्टो थे जब भी उनके साथ थे, अब ये बेटी आई है अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ रहेंगे और ता जिंदगी रहेंगे जब तक जिंदगी है, और बहुत अच्छे काम करती है बच्ची है ये, और इतना जज्बा एक बच्चे के होने से इतना बड़ा जज्बा मैंने नहीं देखा कहीं. नताशा इतना जज्बा, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपके लिए, आपके हलके में आपके लिए है, देख के काफ़ी खुशी हुई. वही एक वक्त याद आता है कि जब अजीम दौलताना भी हलके से इलेक्शन लड़ते थे, सियासत करते थे, वही जो उनके लिए प्यार था वो आपके लिए भी नज़र आ रहा है आज. सो वंडरफुल टू सी दैट, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा, बट विश यू ऑल द बेस्ट. और बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं ये कहती चलूँ कि ये जो सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये इन्हीं की वजह से मैं सियासत करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है, मुझे दिली सुकून मिलता है ये लोगों के जो है मसले मसाइल हल करने में, खवातीन के, खासकर जिस मेरे भाई ने कहा कि मेरी उनकी वालदा मिलना चाहती हैं, मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है कि मैं एक खवातीन के लिए भी होप हूँ. मर्द जो हैं वो सियासत में आते हैं तो मर्दों का मर्दों के साथ ही ज़्यादा डीलिंग होती है. मैं अपने आप को खुशनसीब इस तरह समझती हूँ कि मेरी जो डीलिंग है वो मर्दों के साथ भी और ख़वातीन के साथ भी, और ख़वातीन के लिए एक होप भी एक मैं बन के आती हूँ.